आज अपन एक नया टॉपिक, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं? लाइन इंटीग्रल अपन किसी कर्व पर फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक कर्व लिया सी, ठीक है, एंड टी वी द टेंजेंट एट दैट कर्व। ये टेंजेंट हो गया, ये जहाँ पे इस कर्व को ये कट कर रहा है, ये पॉइंट पी हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, हियर ओ पी वैक्टर बी द पोजिशन वैक्टर। जब हमने वैक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि ये पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर, और आर वैक्टर क्या हो जाएगा, विच इज एक्स, आर वैक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चूँकि ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, और ये जेड प्लेन हो जाएगा, राइट। एंड एफ वेक्टर भी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यह एफ वेक्टर जो है, इस पॉइंट पी पर क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से अगर हम कोई भी कर्व, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है, ठीक है, उस पर हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो देखिए, लाइन इंटीग्रल अपन डिफाइन कैसे करते हैं। हमने एक एफ वेक्टर ले लिया, लेट एफ वेक्टर जो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और कैसा फंक्शन होगा, वेक्टर फंक्शन होगा, जिसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, स्केलर होंगे, राइट। तो यार एफ वेक्टर भी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एंड सी भी एनी कर्व। ये एक कर्व सी हमने ले लिया, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर। ये जो एफ वेक्टर है इस कर्व पर, अलॉन्ग द कर्व सी, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग द कर्व सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी, राइट। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा, किसी भी कर्व पर अगर हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर, ये वेक्टर आपको दिया होगा किसी भी कर्व पर। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर विद अ पोजिशन वेक्टर, और उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, डी आर वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे नोट करके अपन देखते हैं, जैसे सपोज करो कि जो एफ वेक्टर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिया, इफ एफ वेक्टर इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, वेयर एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ वेक्टर। एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है, दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ वेक्टर। एंड आर वेक्टर, आर वेक्टर भी द पोजिशन वेक्टर, ये स्टार्टिंग में हमने बताया था जब ये फिगर लिया था, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप आर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप जो यूनिट वेक्टर लेते हो वो क्या लेते हो, आई कैप। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, जे कैप। एंड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, के कैप। तो आर वेक्टर हमने ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, देन डी आर वेक्टर अपन डेरिवेटिव ले लें, तो डी आर वेक्टर क्या हो गया, डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, राइट। तो देन लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी, राइट। हमने लाइन इंटीग्रल ले लिया, अब एफ वेक्टर की वैल्यू आपने क्या लिया, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और डी आर वेक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो उसमें आप क्या देखोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो एफ वन का डी एक्स के साथ हो गया तो एफ वन डी एक्स हो गया, जे का जे के साथ, तो एफ टू का डी वाई के साथ हो जाएगा तो एफ टू डी वाई हो गया, एंड एफ थ्री का डी जेड के साथ होगा तो एफ थ्री डी जेड हो गया ओवर द कर्व सी। अब ये कर्व दिया होगा जिसकी हमको लिमिट फाइंड करके, ठीक है, और इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, राइट। अब इसमें जैसे मान लो कि अगर जो एफ वेक्टर है वो अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में
जो पार्टिकल है वो मूव करेगा, जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, जो आपने ये कर्व लिया, जैसे अगर इसको C1 मान ले, इसको C1, C2 मान ले, तो C1 टू C2 मूव करेगा। ऐसे स्थिति में जो लाइन इंटीग्रल होगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, उसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पर हमने, अगर हमको फोर्स दिया हो और फोर्स के अकॉर्डिंग जो है हमको क्या करना होगा, अगर जो पार्टिकल्स है वो पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करें, ऐसे स्थिति में हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क डन डिफाइन करना होगा। और ये वेक्टर इक्वल टू F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F कैप वी फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विथ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर एंड इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन C1 टू द पोजीशन C2, राइट, अलॉन्ग द कर्व C, देन टोटल वर्क डन इक्वल टू, जहाँ पे हम C लिए थे, तो चूंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होगी, अपर लिमिट C2 हो जाएगी, लोअर लिमिट C1, C1 से C2 मूव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कर्व क्या ले लिया, C1 टू C2 लिमिट ले लिया, और ये क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। तो जब हमको टोटल वर्क डन डिफाइन करना होगा, फाइंड करना होगा किसी भी वेक्टर का जो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट DR वेक्टर ओवर द कर्व C1 टू C2, राइट। अब अगर लाइन इंटीग्रल की जगह हमसे बोला जाए कि आप सर्कुलेशन फाइंड करिए, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर, सर्कुलेशन क्या कब डिफाइन करेंगे, जब हमें कर्व क्या हो, क्लोज्ड कर्व दिया हो। जैसे मान लो अगर XY प्लेन पे या किसी भी प्लेन पे, जैसे मान लो रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो अगर हमको क्लोज्ड कर्व पर लाइन इंटीग्रल फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, द लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व सी इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। अगर हम क्लोज्ड कर्व सी पर लाइन इंटीग्रल फाइंड करें, क्लोज्ड कर्व सी पर क्या डिफाइन करें, लाइन इंटीग्रल, तो वो क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड कर्व पर अगर हम डिफाइन करते हैं उसको हम बोलेंगे सर्कुलेशन, द लाइन इंटीग्रल लॉन्ग द क्लोज्ड कर्व सी इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर फोर अगर हमें सर्कुलेशन फाइंड करना हो, सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट DR वेक्टर ओवर द क्लोज्ड कर्व सी। तो जब क्लोज्ड कर्व लेते हैं तो इंटीग्रल को सर्किल में लेते हैं, ये हमने सर्किल में ले लिया, और कर्व क्या ले लिया, सी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो कर्व हमें दिया है वो कर्व कैसा कर्व दिया है, क्लोज्ड कर्व दिया है, राइट। तो ये फार्मूला यूज होगा जब हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे। अब अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आसानी से हम फाइंड करेंगे लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपन लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। इसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ एफ वेक्टर इक्वल टू 3XY i कैप माइनस Y2 j कैप, देन इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट DR वेक्टर ओवर द कर्व सी, वेयर सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला, सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई इक्वल टू 2X2 फ्रॉम 0 0 टू 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया ये XY का दिया, यहाँ F वेक्टर जो है क्या दिया, 3XY i कैप माइनस Y2 j कैप, यानी Z यहाँ पर क्या है, 0 दिया हुआ, राइट। तो अब हमको इस पर, इस वेक्टर फंक्शन का जो कर्व दिया है पैराबोला, इस पर हमको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कर्व हमें दिया है वो कर्व ले लेते हैं, वी है, सॉरी जो वेक्टर फंक्शन दिया है वी है, एयर वेक्टर इक्वल टू थ्री एक्स वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, राइट। ये वेक्टर फंक्शन पोजीशन वेक्टर है, इसके लिए वेक्टर फंक्शन के लिए तो हम यहाँ पर लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, जेड जीरो है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई। तो जब कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएंगे तो इन द कर्व सी, राइट, देन आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जेड के कैप होता, जेड क्या है, जीरो है यहाँ पर, ठीक है, जेड क्या है, जीरो है। तो ऐसे स्थिति में आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से हम डी आर वेक्टर फाइंड कर लेंगे, डी आर वेक्टर क्या मिलेगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट। अब हमको फाइंड क्या करना है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर फोर लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी। ये फार्मूला ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों की वैल्यू आपको पता है, एफ वेक्टर क्या है, थ्री एक्स वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ये वेक्टर की वैल्यू रख दिया। डॉट डी आर वेक्टर क्या मिला है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो अब दो वेक्टर फंक्शन का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बाकी सभी के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई का आई से मल्टीप्लिकेशन प्लस जे का जे से मल्टीप्लिकेशन ओवर द कर्व सी, इंटीग्रल कर्व सी पर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या मिल जाएगा, थ्री एक्स वाई डी एक्स, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, वाई स्क्वायर डी वाई ओवर द कर्व सी, राइट। अब तो ये लाइन हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमने क्या फाइंड कर लिया, देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट, यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी इक्वल टू क्या मिल गया, ये दो पार्ट में हो जाएगा, इसको लिख सकते हो थ्री एक्स वाई डी एक्स ओवर द कर्व सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई ओवर द कर्व सी, ठीक है। अब इस कर्व की जगह हमको लिमिट लेना है, तो कर्व क्या दिया है, सिंस द गिवेन कर्व इज, सिंस द गिवेन कर्व इज, कर्व क्या है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो जीरो टू वन टू, जीरो जीरो टू वन टू है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ जेड तो जीरो है तो जेड तो लेना ही नहीं अपने को, तो एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन एंड वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हियर एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, वाई वेरीज
from 0 to 2, x और y की लिमिट 0। अब यहां पे देखो dx है, यहां y है, तो इसको x में इंटीग्रेट हो पाएगा। तो ऐसे स्थिति में y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, 2x2। यार कर्व दिया, वो पैराबोला दिया है, राइट। तो यहां से इसको अगर हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है, देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी इक्वल टू, यहाँ 3 है। अब इसको अगर हम y को x में कन्वर्ट कर देंगे, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी यहाँ पे हम करना है, तो ऐसे स्थिति में c की जगह लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट 0 टू 1, तो यहाँ 0 टू 1 लिमिट हो गई, और ये x हो गया, और y की जगह 2x2 रख दिया, यहाँ dx कर दिया, माइनस आगे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर डी वाई है, कर्व सी की लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट 0 टू 2, तो 0 टू 2 कर दिया वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3, और ये 2 कांस्टेंट है, तो ये 6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 वाई स्क्वायर टी वाई, राइट। अब हमको इसको केवल क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना।